हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे को न्यू व्लॉग में, जिसका नाम है दीपक ठाकुर व्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बांके बिहारी के दर्शन कराने वाला हूं, साथ ही साथ आपको बांके बिहारी मंदिर से लेकर आई एक इम्पोर्टेंट अपडेट भी बताने वाला हूं। क्या है वो अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप बांके बिहारी मंदिर आना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको मंदिर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो शायद आपको बांके बिहारी के दर्शन के बगैर ही लौटना पड़े। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अगर वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हो तो बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए होने वाले बदलावों के बारे में भी जान ले। बांके बिहारी मंदिर में क्या क्या चीजें बैन होने वाली है, आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी के आने के पहले आप यहाँ ठाकुर जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं, मंदिर आने से पहले आपको इन बातों को जानना बेहद जरूरी है, वरना आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और शायद आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन भी ना कर पाओ। तो क्या है वे बातें ले जानते हैं। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अवतरित हुए थे। ये पर्व हर साल भाद्र माह की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक ब्रज में देखने वाली होती है। लाखों की संख्या में लोग जन्माष्टमी पर यहाँ आते हैं और वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अगर वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं तो बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के लिए होने वाले बदलावों के बारे में भी अवश्य जान ले। सबसे पहले आप मेरे साथ कीजिए श्री बांके बिहारी जी के दर्शन। बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। वृंदावन आने वाला हर भक्त यहां दर्शन करने जरूर जाता है। यही वजह है कि रोजाना लाखों की संख्या में भक्त ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं और दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं। आलम यह है कि भीड़ की वजह से मंदिर के अंदर भक्त बेहोश भी हो जाते हैं। पिछले साल जन्माष्टमी पर भी कई भक्तों की भीड़ की वजह से जान चली गई थी। इसी अनहोनी की आशंका के चलते स्थानीय प्रशासन भीड़ नियंत्रण करने की योजना बना रही है। स्थानीय प्रशासन बांके बिहारी के सुलभ दर्शन के लिए दो व्यवस्थाएं लागू करने जा रही है। भीड़ नियंत्रण के लिए बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। मंदिर के सेवादार और जिला प्रशासन ने इसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था, जिसकी मंजूरी भी हो चुकी है। जो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी वे जन्माष्टमी पर बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे। गाइस, दूसरी बात करते हैं कि मंदिर में क्या क्या चीजें बैन होने वाली है। तो बता दें कि भीड़ की वजह से मंदिर के अंदर मोबाइल फोन पर बैन होगा। लोग अंदर जाते हैं, काफी देर तक मोबाइल पर तस्वीरें खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं और रील्स बनाते हैं। इससे मंदिर में भीड़ लगी रहती है। सूत्रों की माने तो जल्द ही ये नियम लागू होने वाले हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर वृंदावन जाने से पहले पूरी जानकारी करके ही वहां जाए, वरना आपको बिना दर्शन लौटना पड़ सकता है। मोबाइल फोन बैन करने वाली व्यवस्था का प्रेजेंटेशन भी प्राइवेट कंपनी द्वारा दिया जा चुका है। इस मंदिर में जो आप दर्शन कर रहे हैं बांके बिहारी के, यह दर्शन कल के यानी 2 सितंबर शनिवार के है और इस जानकारी के बारे में भी मुझे कल ही मंदिर के सेवायतों द्वारा पता चला है। नगरी मथुरा के वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और सभी को सहज दर्शन हो सके, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण पर सहमति बन गई है। मंगलवार दोपहर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की मंदिर के सेवायतों गोस्वामियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में लंबे विचार विमर्श के बाद ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर दर्शन की व्यवस्था पर सहमति बनी। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वर्ष में एक बार होने वाली मंगला आरती के दर्शन लाइव दर्शन पर भी दोनों पक्ष सहमत हो गए। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन संकरी गलियों और मंदिर परिसर की सीमित क्षमता के कारण किसी को सहज दर्शन नहीं हो पाते।
एसडीएम सदर अजय जैन, पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रवीण मलिक ने सेवायत गोस्वामियों के सामने 3 पॉइंट रखे हैं। पहला, आम श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण से दर्शन की व्यवस्था। दूसरा, वृंदावन के स्थानीय लोगों को पहचान पत्र दिखाकर बगैर रजिस्ट्रेशन के दर्शन। और तीसरा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला आरती के लाइव दर्शन की व्यवस्था। सभी बिंदुओं पर सेवायत गोस्वामी ने एक ही स्वर में सहमति जताई है। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत दिनेश गोस्वामी ने स्थानीय भक्तों को बिना पंजीकरण दर्शन करवाने की व्यवस्था पर जोर दिया। स्थानीय लोगों के दर्शन के लिए उनका पहचान पत्र वृंदावन निवासी के रूप में होना आवश्यक है। अब बात करते हैं दर्शन करवाने की व्यवस्था कैसी होगी। अब्बास गोस्वामी, सोमनाथ गोस्वामी और श्रीवर्धन गोस्वामी ने कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण से दर्शन करवाने की व्यवस्था में सेवायत गोस्वामी के यजमानों को दर्शन कराने में कठिनाई आएगी। इस पर प्रशासनिक अधिकारी और सेवायत गोस्वामी के बीच सहमति बनी कि प्रति गोस्वामी 20 यजमानों को एक दिन में दर्शन करा सकेगा। जिस गोस्वामी जी की निज मंदिर में सेवा होगी, वह सेवाधिकारी प्रतिदिन 200 यजमानों को दर्शन करा सकेगा। लेकिन इसके लिए सेवा एवं सेवा अधिकारियों को भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। श्रद्धालुओं के पहचान पत्र पेश करने होंगे। इसके बाद ही यजमानों को प्रवेश कार्ड के साथ मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। तो गैस, अब बात करते हैं जन्माष्टमी पर भक्तों को क्या सुविधा मिलने वाली है। दिनेश गोस्वामी, ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरती के दर्शन लाइव कराने की व्यवस्था पर सहमति बनी है। 8 मिनट की मंगला आरती के दर्शन मंदिर के बाहर जगह जगह LED लगाकर लाइव दर्शन कराने और मंदिर के अंदर आरती के समय सेवायत गोस्वामी और उनके परिवार के सदस्यों को प्रवेश दिया जाएगा। तो गाइस, ये जानकारी मुझे कल ही मिली थी, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनानी चाहिए जिससे सभी को जानकारी मिल सके और दर्शन करने में किसी को भी कोई परेशानी ना हो और आप सभी को भी बांके बिहारी जी के दर्शन करवाए जाए। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे कॉन्टेंट मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। आदे